राज्य महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का मुंब्रा में दौरा। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री किरीट सोमैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता भी है, पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में इनका अच्छा योगदान रहा है। आज वो थाने जिले के मुंब्रा कौसा शहर का दौरा करने आए और खास तौर से मुंब्रा के कब्रिस्तानों में मृतक देह को दफनाने की कमी और कब्रिस्तान भर जाने की सूचनाएं प्राप्त होने के बाद उन्होंने मुंब्रा कौसा का दौरा किया। मुंब्रा कौसा के अमृत नगर परिसर के कब्रिस्तान पहुंचे, वहां उन्होंने पीपीई किट्स भी कब्रिस्तान को दिया। वहां से कौसा के कब्रिस्तान गए, कौसा के कब्रिस्तान से एमएम वैली परिसर में वहां के कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान के कर्मचारियों से उन्होंने पूछताछ की, बातें की और अपनी तरफ से गाइडलाइन दी। समय पर मौजूद पत्रकारों से बात भी की उन्होंने। आइए देखते हैं। और यहाँ पर मृत्यु क्यों हुए, कैसे हुए, उसका कारण ढूंढ के लोगों को बताओ, उसका आगे बचाया। यार इनकी 90 की एवरेज थी, उसके सामने अभी 240 कोई ब्लॉक बचे कब्रिस्तान में। अमृत नगर की 30 तारीख को बंद होने वाला है, अभी इधर भी सिर्फ 2 ब्लॉक है, पूरा लोड इस कब्रिस्तान में आएगा। तो एक ब्लॉक में कितना जाता है, कैसा है मालूम है, एक लाइन में ना इधर की जो लाइन बड़ी है, यहाँ की थोड़ी शॉर्ट है, यहाँ पर जो हम लोग ने एक लाइन में 50 बनाए हमने एक रो में, और इधर की थोड़ी पड़ी है उसमें 70 आई है, नीचे की रो में 70 आई है। अच्छा, इसमें कोविड मृत्यु कितने होंगे? कोविड तो मेरे पास 142 पूरा हम लोग है ना, उसका जो मेंशन करते हैं ना कोविड की अलग, वो टीएमसी की तरफ से हम लोग को रिकॉर्ड देना सस्पेक्ट भी है उसमें 22 अप्रैल से चालू हुआ है। फर्स्ट डेट 3 बॉडी थी, 22 अप्रैल से अपने कब्रिस्तान में कोविड की बॉडी दफन होना शुरू हुई है, उसमें सस्पेक्ट 142 में सस्पेक्ट भी है और कन्फर्म दोनों। मैं लगातार करता आया हूँ कि कोविड के कारण मृत्यु का प्रमाण बहुत गति से बढ़ रहा है और कब्रिस्तान की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हो या थाने हो या वहां पर वत्ते विरार हो, कब्रिस्तान की और अतिरिक्त जगह देनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो दूसरी बात है कि ठाकरे सार सरकार लगातार कोविड के मृत्यु दबा रहे, झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ का एक उदाहरण दूं कि मेरे पास जो जानकारी है कि सिर्फ ये मुंब्रा कौसा परिसर में गए लॉकडाउन के बाद में 953 मृत्यु हुए, उसमें 400 से ज्यादा मृत्यु कोविड के है। ये एक कब्रिस्तान में 142 कोविड मृतदेह दफनाए गए, और थाने महापालिका कुल मिलाकर अभी तक कोविड के सिर्फ 277 मृत्यु हुए सब मिलाकर। ये ठाकरे सरकार लोगों की जान के साथ खेल रही है,
जैसे मुंबई महापालिका में ठाकरे सरकार ने सिर्फ 2200 मृत्यु बताए थे और अभी बाहर आया कि 44 तो हुए। इसी प्रकार से थाना में 800 से ज्यादा मृत्यु हुए, ये सिर्फ 277 दिखा रहे हैं और उसके कारण लोगों की जान अधिक खतरे में आएंगे, लोग और बाहर निकलेंगे। ये सब खुलासा करने के लिए निरंजन डावखरे और संजय बागोले के साथ में हम जा रहे हैं। तो अमृत नगर का कब्रस्तान बंद होने वाला है, कलसा बंद है और ये भी लगभग फुल हो जाएगा। ऐसे में मैयत दफन करने के लिए मुंद्रा वालों को जो है काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कब्रस्तान की जरूरत, इसलिए हमारे थाने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निरंजन डावखरे ने सरकार से मांग की है कि तुरंत ही यहाँ के परिसर के लिए अलग कब्रस्तान की अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया, जो अपने संग जिला थाने के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निरंजन डावखरे और संजय वाघोला के साथ में उन्होंने मुमरा के दौरे पर पत्रकारों से क्या संबोधित किया, क्या ये कब्रिस्तान, COVID-19, कोरोना संक्रमण, ये सब के मुद्दों को लेकर आघाड़ी सरकार को निशाना तो बनाया नहीं जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। जहां तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते ऐसे राजनीतिक हथकंडों से किरीट सोमैया जी पहले भी विवादित रहे हैं। मुमरा शहर के कब्रिस्तान का मुद्दा तो पहले भी उठ चुका है, कोरोना काल से पहले क्षेत्र की अन्य पार्टियों ने भी इसका विरोध किया था कि थाने महानगर पालिका ने जो जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉटमेंट की है उस जगह पर कब्रिस्तान नहीं दिया जा रहा है, जहां कब्रिस्तान दिया गया है वहां की जमीन जरखेज है। कई अन्य कारणों की वजह से विरोध चला, प्रदर्शन चला। उस वक्त राज्य महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुमरा के इस मामले को सुलझा नहीं पाए। अब वो राज्य की आघाड़ी सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं लोगों में विचार विमर्श चल रहे हैं कि ये राजनीति तो नहीं चल रही है। देखेंगे जब मुमरा कौसा के कब्रिस्तान के मामलों में भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है तो स्थानीय लोगों का कितना भला होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये थी हमारी राज्य महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया के मुमरा कौसा में दौरे पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।